हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा रास्ता इनका मन करता है तो हमारा रास्ता ये बंद कर देते हैं। हमें चाहिए अपना रास्ता। हमारे तीन रास्ते और पास हुए हैं तीनों के तीनों। हमें तीनों रास्ते चाहिए, बिल्कुल रोड हमारा बना हुआ कि जो भी विधायक आता जो भी आता है रास्ता टाइम दे वोट दे रखी। विधायक जी हमारे यहाँ के आप इस रिक्शे में क्यों बैठी है? इसलिए रास्ता के लिए आप यहाँ विरोध करेंगे ऐसे बैठ के? हाँ विरोध करेंगे। आपने रिक्शे वाले को उतरवा दिया है रिक्शे के अंदर से? रिक्शा हम जाने नहीं देंगे। जाने नहीं दोगे आप? ऐसे विरोध करोगे? जब मोदी ने इतने रास्ते बना दिए तो क्या एक रास्ता नहीं दे सकता मोदी? चको हमने ऐसे कोई हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बैठे ही रहेंगे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, हम बैठे ही रहेंगे। रास्ता हमारा ही है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा उन्हें। नमस्कार, मैं आकांक्षा राय न्यूज से। आज हम है रुड़की के भंगेड़ी महावतपुर गाँव में, जहाँ रास्ते के विवाद पे कई दिनों से चर्चा हो रही थी, कई दिनों से विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर मिलिट्री वालों और गांव वालों के बीच में। आज हम वहां मौजूद लोगों से बात भी कर रहे हैं और इस बारे में पता भी करना चाहते कि क्या उनका डिसीजन आया है, सरकार क्या बोल रही है, या जो पॉलिटिशियन है राजनीति पे ही लेकर चल रहे हैं इस चीज को, गाँव वासियों को कोई उनका हक मिलेगा या नहीं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे इस बारे में कि वो क्या कह रहे हैं, अब डिसीजन न आने पर उनका अब क्या मनोबल दिखाएंगे, वो क्या एकता होकर अभी भी इस हक की लड़ाई में खड़े रहेंगे। कुछ बच्चों के रास्ते रोक दिए थे अभी स्कूल से आते हुए आप लोग ने, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके रास्ते इसलिए रोक के कि हम यहाँ धरने पर बैठे और बच्चे उनके स्कूल जा रहे हैं आराम से, तो बच्चों को हमने ऐसे कोई हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बच्चे इसलिए रोक रहे हैं, मिलिट्री वाले रास्ता नहीं दे रहे बच्चों को, तो सबको पता लगना चाहिए कि रास्ता नहीं दे रहे, बंद कर रहे, बच्चों को भी नहीं आने दे रहे, तो बच्चे कैसे जाएंगे इस पे? चलेंगे चलेंगे तो हमें भी भाई, सब अपने काम में बजा रहे। आप लोग यहाँ सुबह 8 बजे से बैठे हैं? 6 बजे के बैठे हैं जी। यहाँ जी बैठे ही रहेंगे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, हम बैठे ही रहेंगे। अगर अगर नहीं कोई सरकार इस चीज का हल निकालती तो आप लोग क्या करेंगे? अजी नहीं निकालना तो पड़ेगा, सरकार निकाल देगी, निकालना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, रास्ता हमारा ही है, देना पड़ेगा उन्हें। एक गरीब आदमी कहाँ को जाएगा बताओ? अब ये तो मिलिट्री वाले तो चलो भाई नौकरी वाले कहीं को भी जा सकते हैं, किराया बहुत है इन पे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हमें तो यही सड़क, हम तो पैदल निकल जाएं इस पे को, बताओ हम कहाँ से लाओगे इतना पैसा। अच्छा, इससे पहले भी 2 रास्ते थे, उन्हें भी बंद कर दिया, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें भी बंद कर दिया, उधर भी रास्ता उस नहीं नहीं तो यही खुलवाएंगे। उधर कहा था, उधर कहा था उसने कि इधर रास्ता दे देंगे आपको और इधर वाला बंद कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, जब भी निर्भर हो गए कोई नहीं, हमें ये दे दो, ये रास्ता दे दो हमें, हमने तब भी कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। अब इस वाले को भी मना करें तो बताओ कब? आप सरकार को क्या अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारा रास्ता खोल दो, हमें कोई लड़ाई किसी की कोई तंग नहीं, हमें तो आराम से रास्ता मिल जाए बस हमें। अब मोदी, जब मोदी ने इतने रास्ते बना दिए तो क्या एक रास्ता नहीं दे सकता मोदी? बस यही मोदी की वोट तो मोदी मोदी करेंगे, वोट तो मोदी ले लगा आर्मी को, मना कर रहा रास्ते। देखिए हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा रास्ता इनका मन करता है तो हमारा रास्ता ये बंद कर देते हैं। हमें चाहिए अपना रास्ता, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ ऐसा ना करें, पर यही कभी उधर का रास्ता, उधर का तो इन्होंने बंद कर दिया। जब चाहते हैं अम्मा, आप इतने टाइम से आपकी उम्र दिख रही है, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे तीन रास्ते और पास हुए हैं तीनों के तीनों, हमें तीनों रास्ते चाहिए, बिल्कुल रोड हमारा बना हुआ, ये आर्मी वाले तो आराम से बैठे, हम इन्हें कुछ नहीं कह रहे, ना लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ रास्ता चाह। लेकिन अम्मा अभी बीच में भी आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे कुछ टाइम पहले भी और अभी फिर से अभी, लेकिन फिलहाल इस रास्ते की बात चल रही है, तो इस रास्ते पे आप क्या क्या बोलना चाहते? यही रास्ता चाह रहा है अभी फिलहाल, तो इसी को चलेंगे सारी उम्र चलते रहेंगे। हमने सुना है कि वो दूसरे रास्ते से हमें रास्ता दे, कोई मतलब नहीं दूसरे रास्ते से, हमारा यही रास्ता इसी को चलेंगे, यही रास्ता चाहिए। कितने टाइम से यही रास्ता आप लोग के पास? हम तो इसे चल ही रहे हैं सारी उम्र का हो जाए। हम यहाँ सुबह से पड़े 6 बजे से, बताओ क्या यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, टाइम दे देते हैं, केरला का 10 दिन दे दिया आपको, 15 दिन दे दिया, महीना दे दिया, ये टाइम होता है हमारा, और रास्ता भी बंद हुआ, ये हमारा ये रास्ता बंद हो रहा है। मैडम ऐसा नहीं होता कि जो भी विधायक आता जो भी आता है रास्ता टाइम दे। अभी उमेश जी क्या बता कर गए? चलेगी उसके बाद देख के समाधान। आप लोग को होप दे के गए या पक्का श्योर दे श्योरिटी दे कर गए? पक्का ही है, पक्का ही है, बिल्कुल आप लोग हमारे लिए जरूर आएंगे मैम, वोट दे रखी विधायक जी हमारे यहाँ के, और अभी आगे जो प्रधान है उन लोगों ने भी, आप लोग सब मैम सब एक साथ हैं, हम यूनिटी दिखा रहे हो, आप लोग सपोर्ट में हो एक दूसरे के। हमने ये भी सुना है प्रधान को कहते हुए कि उन्होंने कहा है अगर आज ये रास्ता नहीं खुलता तो आप सब हाईवे को जाम कर देंगे। मैम करेंगे, हाईवे मजबूरी बन जाएगी मैम, हमारी मजबूरी है ना, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये बूढ़े औरत बैठे, हर आदमी बैठा है यहाँ पे मैम, क्यों नहीं करेंगे जाम?
मजबूरी बन बच्चों का रास्ता बंद किया था, अभी आप लोग ने बड़ों का रास्ता बंद किया था, कार्स को नहीं जाने दिया, बाइक्स को नहीं जाने दिया, साइकिल्स तक को जाने नहीं दिया। मैम मजबूरी थी, बताओ क्या करो मैम, जब आगे दिक्कत बताओ कितनी दिक्कत हो रही। मैम ये देखो तो पत्थर, क्या बुरा हाल हो रहा है रोड का। सामने आपके मिलिट्री ऑफिसर्स पूरे अपने अच्छे से एक स्ट्रेंथ में खड़ी हुई है, कवर करके शील्ड लेके खड़ी हुई है, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? मैम देखो हम आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, ठीक है, और ना पुलिस पर, हम शांति पूर्वक अपना काम करेंगे। मैम हम यहाँ से बैठे, अगर यहाँ से हमें कोई समाधान नहीं होता SDM DM हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के जाएंगे हम, मगर मैम हमारा समाधान नहीं होता। फाइनल डिसीजन कब मिलेगा आप लोग को? मैम देखो फाइनल तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा, जैसे आगे टाइम मिल रहा, हम सोचे कि टाइम ना मिले हमें, जो हमारा समाधान होना आज ही हो गया। तीन दिन से लगातार इसी चीज पे चर्चा चल रही है। मैम क्या करे बताओ, जब रास्ता बहुत दिनों से हो रही है, मैम चर्चा तो कई साल चल रही है, हर बार कई साल से चल रही है, लेकिन अभी तीन लोग से यहाँ के जो लोग हैं तीन दिन से वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं रोड को, टाइम देते हैं यहाँ पे, ये बोलते कि दो दिन चार दिन हो जाएगा आपका समाधान हो जाएगा, आप रुक जाओ, बताओ रुक नहीं चाह रहे, इतने दिन हो गए। मैम आप लोग को लगता है समाधान निकल जाएगा आज? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। मैम आप इस रिक्शे में क्यों बैठी है? हाँ ये बच्चों में इसलिए इसलिए रास्ता के लिए आप यहाँ विरोध करेंगे ऐसे बैठ के? हाँ विरोध करेंगे। आपने रिक्शे वाले को उतरवा दिया है रिक्शे के अंदर से? रिक्शा हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं दोगे आप, ऐसे विरोध करोगे? हाँ के लिए 72 घंटे का समय दिया जाए, जिसके क्रम में हम अपने अधिकारियों से बात करके अवगत कराएंगे, उसके बाद उम्मीद है हमें कि समाप्त हो जाएगा, सड़क बन पाएगी। कोई झगड़े की आशंका कोई बनी या कोई नहीं? झगड़े वाली बात नहीं है, जनता है अगर अपनी बात रख रही थी जी, झगड़े तो जैसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने अपनी एक बात रखी थी, उसके संबंध में आर्मी के अधिकारियों से बात की गई, उन्होंने थोड़ा समय मांगा है और उम्मीद है कि उसके बाद ये समस्या का समाधान हो जाए। अभी ये लोग चले जाएंगे या क्या लगता है? बैठेंगे जी, वो चले गए हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग जा भी रहे हैं और उन्होंने कह दिया है अपना धरना समाप्त कर दिया है, और उन्होंने ये इस बात के लिए सहमत हुए हैं 72 घंटे बाद अगर बनती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं।